हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर के साथ। हमने इससे पहले इसके रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, पैडागोजी सब कुछ डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लेकर के आए हैं सब्जेक्ट रिलेटेड के पार्ट को। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू इवेलुएट वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी सी प्लस डी इंटू ई। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ मेमरी एक्सेस मैकेनिज्म इन विच द टाइम टू एक्सेस अ गिवन लोकेशन इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रायर एक्सेसेस। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही, रैंडम एक्सेस। With respect to size, which of the following represent the correct relationship between different categories of cache memory? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। With respect to system bus, dash are used to control the access to and the use of the data and address lines. इसमें होगा control lines, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें सही। State whether the following statements are true or false। हमें बताना है ये जो दो स्टेटमेंट है ये सही हैं या गलत है। पहला स्टेटमेंट है, फॉर मैनी मेमरी द यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स रीड आउट ऑफ और रिटन इनटू मेमरी एट अ टाइम। सेकंड है, द यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र नीड नॉट इक्वल अ वर्ड और एन एड्रेसेबल यूनिट। इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ लाइन्स यूज इन अ डाटा बस इज रेफर टू एज द विड्थ ऑफ द डाटा बस। द नंबर ऑफ एड्रेसेबल मेमरी यूनिट्स फॉर अ 10-bit साइज एड्रेस बस इज 1024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर बस। ओप कोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एब्रीवेशंस कॉल्ड मेनेमोनिक्स। With respect to peripheral component interconnect PCI, the letter E in PCIe stand for express. Which of the following statement is correct? A hard disk is also used to provide an extension to the main memory known as virtual memory. DRAM is faster than SRAM. External non-volatile memory is also referred as secondary memory or auxiliary memory. इसमें statement first or third करेक्ट है। विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम बसेज SCSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। SCSI इज इटसेल्फ अ टाइप ऑफ बस यूज्ड टू सपोर्ट लोकल डिस्क ड्राइव्स एंड अदर पेरिफेरल्स। अ सीरियल पोर्ट कुड बी यूज्ड टू सपोर्ट अ प्रिंटर और स्कैनर। जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। With respect to accessing speed, which of the following represent the correct relationship between different categories of cache memory? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, इसमें सही हो जाएगा। Which of the following sequence of one address instruction can be used to evaluate y equals to a minus b c plus d into e? हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, विद रेस्पेक्ट टू कैशे इन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मैपिंग मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमरी इन टू ओनली वन पॉसिबल कैशे लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा ट्रांसफर स्कीम्स रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बाई द CPU ऑफ द पेरीफेरल डिवाइसेज प्रोग्राम्ड IO। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द टाइम इट टेक्स फॉर डिवाइसेज टू कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द बस प्रोपिगेशन डिले। State whether the following statements are true or false. First statement है, with one address instructions, the programmer generally has available only one general purpose register, the accumulator. Second है, zero address instructions are available to a special memory organization called a stack. इसमें दोनों statement जो हैं वो true हैं। आगे चलते हैं, identify the valid cache organization techniques. फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड है सेट एसोसिएटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें तीनों हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन खत्म हो गए सब्जेक्ट रिलेटेड के, आगे के 20 यहाँ से शुरू होंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर अ सिस्टम हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स टाइप।
Banker's algorithm. Identify the missing digit in the following expression so that the left hand side is equal to the right hand side. हमें इसके लिए बताना है वो है 1 और 1. हमें ये दिया हुआ है देन वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ x. हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है. x की वैल्यू होगी 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. अ ट्रैप इज़ अ हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एरर और अ यूज़र रिक्वेस्ट. अब हमें इनको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ. तो पहली मैच होगी b के साथ, दूसरी जो है मैच होगी स्वैपिंग के साथ, और थर्ड होगी सीपीयू शेड्यूलिंग के साथ. तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाए, फोर्थ सही हो जाएगा. अ प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी वेयर एज अ प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा. इन एसिंक्रोनस कैंसलेशन वन थ्रेड इमीडिएटली टर्मिनेट्स द टारगेट थ्रेड. Suppose that a process is in blocked state waiting for some IO service. When the service is completed, it goes to the ready state. Which of the following is the base for representation of the decimal number 213? इसमें होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ. अब हमें इसको टेबल को कंसिडर करना है और आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ द थ्री प्रोसेसेस अंडर द FCFS एंड RR पॉलिसीज. तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही. अब हमें इस रेफरेंस को देखना है और फिर इसका आंसर देना है. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें सही होगा. वॉट इज़ द टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 20100? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट हमें इसके लिए बताना है, मिसिंग डिजिट बतानी है हमें इसके लिए, वो होगी 6. नेक्स्ट हमें इसको कंसीडर करके इसको क्वेश्चन को आंसर देना है. तो जब हम आप इसको पढ़ेंगे तो जो आंसर है वो क्या आएगा, ओनली रिक्वेस्ट थर्ड मस्ट बी ग्रांटेड. इसी तरीके से इसमें ये सीक्वेंस को कंप्लीट करके देना है. तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फिट ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल्ड इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज फाइल. अब हमें यहाँ पर बताना है इस एक्स की वैल्यू क्या होगी. एक्स की वैल्यू होगी 5. व्हाट इज द 15th कंप्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर. हमें इसके लिए बताना है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही हो जाएगा. Considering 2's complement representation for negative numbers, what is the decimal equivalent of an 8-bit register content? तो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ -128. If there are 64 segments each of size 2 KB, then how many bits should a logical address have? 17 bits. The XOR gate gives 1 as output when both inputs are different and 0 when both inputs are same. Which of the following data structure is used in implementing recursive calls? Stack. Which of the following properties ensures that an algorithm must always terminate after a finite number of steps? Finiteness. अब हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और ट्रू है. तो पहला स्टेटमेंट है द जे के फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स. सेकंड है इन अ रिपल काउंटर इफ द अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट काउंट्स अप देन द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट काउंट्स डाउन. इसमें होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट है फॉल्स और सेकेंड है ट्रू. हाउ विल दिस बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन. तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा. अब हमें इसके लिए बताना है ये जो गेट दिया हुआ है वो किसके इक्वल है. तो ये जो गेट है ये इक्वल है एक्स एन ओ आर के लिए. अब हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. द लेबल कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले आउटपुट. सेकेंड द इमेज इन द इमेज बॉक्स कंट्रोल इज स्ट्रेचेबल. द मोस्ट कॉमन इवेंट एसोसिएटेड विद द कमांड बटन कंट्रोल इन विजुअल बेसिक इज द क्लिक इवेंट. इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द ASCII कोड्स ऑफ AZ 25? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट
अ करेक्ट आइडेंटिटी इन बुलियन एलजेब्रा. ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इडिम्पोटेंट लॉ इन बुलियन एलजेब्रा. ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसमें सही हो जाएगा. अब हमें इसके लिए बताना है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम. तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. अब हमें इसके लिए बताना है वैल्यू ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग लॉजिकल डायग्राम. तो उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, ऑप्शन नंबर फोर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाइनल वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक बिफोर द रिलीज ऑफ विजुअल बेसिक डॉट नेट. इसमें होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विजुअल बेसिक 6.0. इफ़ एन फ्लिप फ्लॉप आर यूज इन अ रिपल काउंटर दैन इट विल काउंट फ्रॉम 0 से 2n-1. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू द बूलियन एक्सप्रेशन ए डैश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर. इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक कंट्रोल इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स एज वेल एज टू डिस्प्ले द आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स. विजुअल बेसिक वॉज फर्स्ट रिलीज बाई माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1991. अ रिपल काउंटर इज डैश काउंटर वेयर ओनली द डैश फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाई एन एक्सटर्नल क्लॉक. इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट है वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ए. एट, द डिग्री ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन द ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक मैथड कैन बी यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फॉर्म्स, पी सेट मैथड, लाइन मैथड, सर्कल मैथड. इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोथ रैंडम एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस आर अलाउड इन अ लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन विजुअल बेसिक, रिपीट अंटिल. यहाँ पे तो क्वेश्चन ही गायब हो गया दीदी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू इफिशेंटली इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू, हीप ट्री. वॉट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश थ्री. इन अ ट्री अ नोड ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड और लीफ नोड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कंट्रोल्स इन VB6 दैट यू कैन यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन योर फॉर्म. हमें बताने इन चारों में से ये चारों ही सही होंगे, लाइन कंट्रोल, शेप कंट्रोल, इमेज बॉक्स और पिक्चर बॉक्स. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर फोर इसमें सही हो जाएगा, 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप इन VB6, डेट. इफ डैश ट्रांसवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज सॉर्टेड देन द बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर. What is the science of currency data type in VB6? 8 bytes. Identify the non-linear data structure from among the following: linked list, stack or tree. Option number 3 इसमें सही हो जाएगा. The number of subtrees of a node is called the degree of the node. Which of the following suffixes is used for double data type in VB6? Option number 1 hash. कन्वर्ट द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन टू पोस्ट फिक्स फॉर्म. इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर डिविजन इन विजुअल बेसिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. विजुअल बेसिक अलाउज अस टू मैनेज डाटा बेसिस क्रिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा बेस प्रोग्राम्स, MS Access, Oracle, MySQL. ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें सही हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इन C++, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डाटा वेरिएबल फ्रॉम सेकेंड डेराइव्ड क्लास. इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज अ टर्मिनल दैट टर्मिनेट्स अ स्टेटमेंट इन C++, सेमी कोलन.
What is the pre-order transversal of the binary search tree corresponding to the following key values? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा. What is the worst case time complexity of the heap sort? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा. What is the worst case time complexity of the bubble sort? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. What is the correct interpretation of the following declaration in C++? वो है ऑप्शन नंबर थर्ड. Which of the following is used to access the overridden function of the base class from the derived class? ऑप्शन नंबर थर्ड. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. पहला स्टेटमेंट है अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू सेक्स स्टैक्स. अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू क्यूज. तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा. दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है. द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन सी प्लस प्लस ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट डाटा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ क्लास थ्रोज एरर. दिस फीचर इज नोन एज डाटा हाइडिंग. इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डाटा वेरिएबल फ्रॉम डेराइव्ड क्लास. ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाई. ऑप्शन नंबर थर्ड. In case of private inheritance in C++, which of the following correctly represent the accessibility of the data variable from second derived class? Option number 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा. Which of the following is not a correct declaration statement in C++? Option number 3. Which of the following is the insertion operator in C++ used to write formatted data into the stream? Option number 1st. Which of the following option present the correct post order and pre order transversal of the following binary tree? तो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. कंसिडरिंग ए एज अ वन डायमेंशनल एरे विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट विल प्रिंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ ए. ऑप्शन नंबर सेकेंड. In C++, if a function f is defined as a friend function, then which of the following category of data members can be accessed using the function f? Option number 4th, public, private and protected. Considering the height of a binary tree as the number of edges between the tree's root and its further leaf, what is the height of the binary search tree created using the following key values? Option number 3rd, 4. A queue is a linear data structure in which elements can be inserted only at one end called rear and deleted only at the other end called front. If a relation schema is in 2NF, then it is definitely in option number first. If A, B and C are the candidate keys in a relation schema, then what are the prime attributes? Isme option number third sahi ho jayega. Identify the correct statement. Derived class do not inherit or overload constructor or destructor from their base classes. Destructor can be declared and the keyword virtual. Third hai, constructor can be declared with the keyword virtual. Isme option number third sahi ho jayega, first and second only. Consider the following C++ code segment. With respect to the code segment mentioned above, which of the following statement is correct? इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज्ड इन ओरेकल एसक्यूएल टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा. अब हमें इसको मैच करना है. पहला जो है वो क्यू के साथ मैच हो जाएगा, दूसरा पी के साथ हो जाएगा, थर्ड एस के साथ होगा और फोर्थ आर के साथ होगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें सही हो जाएगा. Consider the following set of functional dependencies defined over the relation schema. अब हमें बताना है how many candidate keys does the relation R have? Option number third इसमें सही हो जाएगा, 4. अब हमें इसको match करना है. पहला Q के साथ match हो जाएगा, दूसरा P के साथ, third S और fourth R के साथ. तो हमारा option number second इसमें सही हो जाएगा. Which of the following is true? A relation table may have on more than one foreign कीज. ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा. विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन C++? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा. अब हमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट है,
pointer arithmetic can't be done on a void pointer. सेकेंड है अ वॉइड पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू अ क्लास मेंबर इन सी प्लस प्लस. इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा. पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्वेंशियल. अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन इन बेस क्लास दैट यू एक्सपेक्ट टू रीडिफाइन इन डेराइव्ड क्लासेस. इफ These are the domains in a relational database model. Then the relation is a subset of which of the following? तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर जो है वो हमारा सही हो जाएगा. आइडेंटिफाई द SQL वाइल्ड कार्ड करेक्टर इन Oracle विच रिप्रेजेंट जीरो वन और मल्टीपल करेक्टर. ऑप्शन नंबर सेकेंड. मैच द आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स. अब हमें इनको मैच करना है. पहला P के साथ होगा, दूसरा R के साथ होगा, थर्ड Q के साथ होगा और फोर्थ होगा S के साथ. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम. इसका आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी ई. अब हमें बताना है कौन सा इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है. सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा, सुपर की सेटिस्फाइज द मिनिमैलिटी कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट कन्फ्लिक्ट. फर्स्ट ऑप्शन अनरिपीटेबल रीड. विच ऑफ द फॉलोइंग ओरेकल SQL स्टेटमेंट्स कैन बी यूज टू सिलेक्ट द नेम ऑफ कस्टमर्स हु हैव नो एड्रेस. ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा. द SQL alter table स्टेटमेंट इज यूज टू एड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल. ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही हो जाएगा. Which of the following Oracle SQL statement is not correct? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है. Which of the following data mining algorithm is used for association rule mining? ऑप्शन नंबर फोर इसमें सही हो जाएगा. अब हमें इस लिस्ट को मैच करना है. पहले वाला जो है वो R के साथ मैच हो जाएगा, सेकेंड वाला P के साथ और थर्ड वाला Q के साथ. तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा. Which of the following represent the inner join operation? तो इनर जॉइन ऑपरेशन को शो करता है ऑप्शन नंबर फोर्थ. कंसीडर द फॉलोइंग ओरेकल SQL क्वेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेरी. तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट हुज प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन और इक्वल टू 20. विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन टेबल डाटा और सेल. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. How many attribute in the following ER diagram are both multi-valued as well as composite? Option number 4. With respect to data warehouse, OLAP stand for online analytical processing. Which of the following is used for single line comment in SQL? Option number 3 isme sahi ho jayega. Which of the following category of CSS is defined in the head section of an HTML page within a style element? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही हो जाएगा. अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है. फर्स्ट है, इन अ डाटाबेस लो कार्डिनलिटी मींस मोर यूनिक वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ कॉलम एंड वाइस वर्सा. सेकंड है, इफ अ स्टैंडअलोन कॉलम ऑफ अ टेबल इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी की ऑफ द सेम टेबल देन इट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव रिलेशनशिप. इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. In DHTML, the letter D stands for dynamic. Which of the following command is used with SQL select statement in Oracle to return any only distinct values? Option number 3, distinct. With respect to data warehouse, which of the following is not a valid type of OLAP technology? POLAP. HTML links are defined with the third option tag. What will be the output of the following segment of the HTML code? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा. Which of the following statement about HTML attribute is false? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा. Attributes are always specified in the end tag. Next is which of the following can be used to display black color in HTML? ऑप्शन नंबर सेकेंड. Next is in HTML a color can be specified in the form of HSL when hue is a degree on the color wheel from 0 to 360. What are the hue
वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग रेड ग्रीन ब्लू, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। इन वी बी स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड्स एन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइंग दैट द लैंग्वेज ऑफ अवर स्क्रिप्ट इज वी बी स्क्रिप्ट। द एम पी ई जी स्टैंडर्ड इज प्राइमरीली अ बिट स्ट्रीम स्पेसिफिकेशन। विद रेस्पेक्ट टू इमेज टाइप्स जे पी ई जी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। Which of the following category of style sheer can be used to change the look of an entire website by changing the file CSS? इसमें होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ एक्सटर्नल CSS। इन वी बी स्क्रिप्ट ऑप्शन एक्सप्लिसिट इज यूज टू फोर्स ऑल वेरिएबल्स टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज टाइप यूज लूजी कंप्रेशन JPG। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट DHTML is a programming language. Which of the following image type has an extension as .dib, bitmap image? Images known as high color images consist of 16 bits per pixel color depth. Which window method generates a dialog box that displays whatever text you pass a parameter in JavaScript? इसमें option number third जो है वो सही हो जाएगा। Which object holds the real content of the page in JavaScript? Option number second, document. The MPEG layered bitstream structure macro block layer consists of 16x16 pixels. Images with color depth of 8 bits have 256 colors and it is known as palette images. In JavaScript, the window object is the master container for all content you view in the web browser. Which of the following is not a variant subtype supported by VBScript? Except option number 4th. Anytime you include JavaScript verbiage in HTML document, you must enclose those lines inside a option number 3rd tag pair. In VBScript, variables declared at script level cannot be declared using protected. Option number 3rd. MIDI stands for Musical Instrument Digital Interface. Next is, which of the following color depth is not supported in .bmp image 128 bit? Next is, how many maximum links can be created in a mesh topology network of n computers? So iska answer hoga option number a, n into n minus 1 upon 2. Twisted pair cables transmit signals in the form of electric current. Which of the following is not a LAN technology? Frame relay. हमें बताना है कि स्टेटमेंट ये जो दो दिए हुए हैं ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है द डिफ़ॉल्ट सब नेट मास्क फॉर क्लास सी आईपी एड्रेस इज इतना वेरी फास्ट फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन क्लास डी आईपी एड्रेस आर सेट टू 1100। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है और सेकेंड फॉल्स है, तो इसलिए इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है लाइफ टाइम एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लाइफ टाइम ऑफ अ कुकी इन अ ब्राउज़र। सेकंड स्टेटमेंट है कुकीज़ आर मेड सिक्योर यूजिंग द बूलियन एट्रीब्यूट। इसमें पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू कन्वर्ट द आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस? इसका आंसर होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। द मल्टीकास्ट एड्रेस इज द स्पेशल केस ऑफ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन विच ऑल द बिट्स आर 1। सपोज अ 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.536 Mbps। द सिग्नल स्पीड इन केबल इज 2/3 स्पीड ऑफ द लाइट। वट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स इन द केबल? आंसर होगा 768। नेक्स्ट इज, सपोज अ बिट स्टफिंग बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल यूजेज एन 8 बिट डिलाइमिटर पैटर्न ऑफ दिस वन। वॉट विल बी द इनपुट बिट स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट बिट स्ट्रिंग दिस वन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अलार्म अबाउट द कोलिजन डिटेक्शन इन अ नेटवर्क यूजिंग द CSMA पर CD? इसका आंसर होगा जैमिंग सिग्नल। Which of the following switching techniques was used in ARPANET? Packet switching.
Suppose a CSMACD local area network of 1 Gbps is there over a 1 km cable. If the signal speed in the cable is 2×10⁵ km per second, what will be the minimum frame size? 10,000. The class C IPv4 address must start with 110. Number of signals elements transmitted per second is called baud rate. When a signal travels through a media, loss in its energy is called attenuation. The IP address range dash to dash is reserved for loop back. Option number first is mein sahi ho jayega. Next hai, what is the value of start frame delimiter in Ethernet frame? Option number A is mein sahi ho jayega. Ab humein is statement ko batana hai, true or false hai. First statement is, radio waves can penetrate the walls and used for multicast communication. Second है, infrared signals are used for short range communication. इसमें option number third सही हो जाएगा, दोनों statement true हैं. Which of the following connector is used by unshielded twisted pair UTP? इसमें option number second सही हो जाएगा, RJ45. तो आज का session हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. अगर आपको हमारा video पसंद आए तो like करें, हमारे channel को share करें और subscribe करें. हम आपके लिए DSSS भी 40 भी लेकर के आ रहे हैं ताकि आप अपना कॉमन पेपर क्लियर कर सकें.